थाने सरकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं महेश मूलचंदानी फिर उल्लासनगर शहर में एक भ्रष्टाचार लेकर आपके पास आया हूं। आपने सुना होगा कि उल्लासनगर शहर में इस समय रेगुलराइज करने के लिए महानगर पालिका के तरफ से जन जागृत अभियान चालू किया गया है। उसमें उल्लासनगर शहर के तमाम आर्किटेक्ट यानी के इंजीनियर इस काम में लगे हुए हैं, मगर हम आपको आज एक ऐसे इंजीनियर से मिलाएंगे जिसका नाम है विकास नेहते, जो रेगुलराइज के काम में लगे हुए हैं, मगर उनके पास एक व्यक्ति जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद राय, वो आता है और उनके पास 15 से 20 फाइलों का रेगुलराइज करने के लिए उनके पास आता है, मगर जब वह 14 से 15 फाइल विकास नेहते के पास काम के लिए लाता है और विकास नेहते उन तमाम फाइल और उन बिल्डिंगों की मोजनी करके उनके सी फॉर्म पर सिग्नेचर करता है, लेकिन बाकी का जो प्रोसेस का काम है दोबारा वह व्यक्ति उसके पास नहीं आता और तमाम उनकी जो सिग्नेचर और स्टैम्प जो पेपरों पे लगे हुए हैं, बाकी फाइलों पर जो फाइलें विकास नेहते ने कभी देखी नहीं, जो प्रॉपर्टी कभी विकास नेहते ने देखी नहीं, जिनके पास वह कभी गए नहीं, वह सारी प्रॉपर्टियों की फाइल रेगुलराइज के लिए अपलोड हो जाती है, उसमें विकास नेहते के सिग्नेचर और स्टैम्प लग जाते हैं। ये एक भ्रष्टाचार विकास नेहते इंजीनियर के साथ हुआ है, जिसका उन बिल्डिंगों से कोई वास्ता नहीं, जो बिल्डिंगें उनके नाम से उनके स्टैम्प से उनकी सिग्नेचर से यानी कि रेगुलराइज करके प्रोसीजर करके उसको अपलोड किया गया है। तो आइए सुनते हैं किस प्रकार से विकास नेहते के साथ भ्रष्टाचार हुआ है। इंजीनियर विकास नेहते का यह भी कहना है कि इस काम में महानगर पालिका के पूर्व टाउन प्लानर, जिसे 6 महीने के लिए उनका कार्यभार बढ़ाया गया है, वह भी यानी के टाउन प्लानर सोना ने भी इस साजिश में शामिल है, मगर उसके पहले सुनते हैं विकास नेहते को। तो आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद आप थाने सरकार न्यूज को क्या जानकारी देना चाहते हैं ये बताइए। मेरा नाम विकास नेहते है, मैं लाइसेंस इंजीनियर करके उल्लासनगर में काम कर रहा हूँ। अभी जो रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया चालू है, अनऑथराइज बांधकाम जो रेगुलराइज हो रहे हैं, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। बहुत से लोग और बिल्डिंग रेगुलराइज करने के लिए मेरे पास आए हुए हैं और उन पे काम चल रहा है। दुर्गा प्रसाद राय मेरे पास कुछ काम लेके आए थे, तो उन्होंने उस पर सी फॉर्म पे मेरे कुछ फाइल पे सिग्नेचर लिए हुए थे और उसमें भी बाकी जो काम है, प्लान बनाना या फाइल अपलोड करना, वो सब काम बाकी थे, तो वो लेके गए। उस दिन पब्लिसिटी लिस्ट में कमिश्नर ने जो पब्लिसिटी लिस्ट साइट पे डाली हुई थी उसमें मैं देख रहा था, तो उसमें मुझे ध्यान में आया कि कुछ सी फॉर्म पे मेरे सिग्नेचर और स्टैम्प कॉपी पेस्ट करके स्कैन करके अपलोड किए हुए, तो ऐसे 14 प्रकरण मिले। तो मैंने उसके बारे में जानकारी लिया और कमिश्नर साहब से शिकायत की, विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन, एसीपी ऑफिस और डीसीपी ऑफिस सब जगह शिकायत की। उतने में दुर्गा प्रसाद राय का मुझे फ़ोन आया कि आप कहाँ पे हो, मुझे मिलना है, और ये बात गलती से लड़के ने वो सी फॉर्म पे तो आपकी सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड कर दिए, उससे गलती हो गई है, तो आप मुझे मिलो, और सोनोने साहब से भी बात हो चुकी है, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। तो मैं बोला कि अभी तो मैं देख रहा हूँ कितनी फाइल गलत तरीके से अपलोड हुई है। तो उतने में उसके बाद में सोनोने साहब का मुझे फ़ोन आया कि जानकारी लेते हुए कि दुर्गा प्रसाद राय ने उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप बात करो। तो उन्होंने सब मुझसे जानकारी लेना चाहिए, और ऐसे लग रहा था कि वो दोनों सब ये जो गलत तरीके से फाइल अपलोड हो चुकी है उसमें दुर्गा प्रसाद राय और सोनोनी साहब जो एक्स टाउन प्लानर है उल्लासनगर महानगर पालिका के, वो मिले हुए हैं। आपने सुना क्या कहते हैं इंजीनियर विकास नेहते, उनके साथ किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, यानी के उनके सिक्के यानी के उनके स्टैम्प उनकी सिग्नेचर और सारे कामकाज उनके नाम से करके 14 बिल्डिंगों को महानगर पालिका के वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, जिसकी जानकारी विकास नेहते इंजीनियर को नहीं है, यानी कि उनके नाम से काम हुआ है मगर उन्हें कोई जानकारी नहीं।
जब ये विकास नेत्र विठलवाड़ी पुलिस चौकी में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उसके बाद टाउन पेनालर सोना ने उनको फोन करके पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, और वह सोना ने ये कहता है कि ये गलत है, और उसके बाद भी उसी अधिकारी को टाउन पेनालर सोना ने अपने साथ लेकर अपने डिपार्टमेंट में घूम रहे हैं। यही तो छोड़ो, तो विकास नेत्र ने यह भी कहा कि टाउन पेनालर सोना ने इस काम में पूरी तरह से शामिल है, उसको दोबारा पदभार देने की कोई जरूरत नहीं है। मगर उसके बाद भी ऐसे भ्रष्टाचार करने के बाद भी उसके बाद टाउन पेनालर सोनावने को उसका कार्यभार 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के बाद भी ऐसे अधिकारियों को उनका टर्म बढ़ाकर, ये सोची समझी साजिश है। शहर के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। मगर उससे पहले टाउन प्लानर सोनाओ ने क्या कहते हैं इंजीनियर विकास नेते को, वह भी जरा आप उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर सुन के लीजिए। हेलो 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 नेतो जी। हाँ बोला। नमस्ते, सोना नहीं बोलते? सोना नहीं बोलते? हाँ बोला। मैं नगर कॉर्पोरेशन। हाँ हाँ बोला साहब। मैं चल रहा। हेलो हेलो काय चाललंय? कुठे ऑफिस आहात कुठे? हा नाही, ते बघतोय जरा कॉम्प्युटरवर चेक करतो। अच्छा अच्छा, बहुतेक मलाही ऐकतो साहेब म्हणतात आहे घ्या चार्ज म्हणून मानलं तो म्हणतो रिटायर झालं। किसला रिटायर झालं ना? म्हटलं ते माणसं घाणेरडी आहे हो ना खूप, आता तेच बघतोय का, आणि त्या बिल्डिंग खूपच आपण कधी बघितलं नाही काय नाही, आणि मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग आहेत खूप, कुठे काय केलेले आहेत मला पण आयडिया नाही काही, आता बघतोय मी माहिती नाही। ते आधी ते घेऊन का एक तर ती काय उलवा सांग वापरली आहे या लोकांनी हो, त्यामुळे शेतकऱ्याला जाम डिफिकल्ट आहे। नाही मी सह्या दिलेल्याच नाहीत, त्या ते कॉपी पेस्ट करून कोणीतरी टाकले आहे, आता चौकशी करतोय अजून, मी अजून चेक करतोय। 3000 वर फाईली आहे, किती फाईल वर आहे काय, आता अजून 14 तर आता दिसले मला। अच्छा पण तुमची फाईल नाही आहे का ती? नाही कॉपी पेस्ट करून टाकलंय तो दिसतय सर, आणि त्या बिल्डिंग वाल्यांना पण विचारलं, ते बोले कॅम्प मध्ये आम्ही गेलो होतो तिथे ते आर्किटेक्टला आम्ही पैसे दिले, त्यांनी फाईल केली। म्हटलं मी कधी आलो तुमच्या बिल्डिंग मध्ये, तुमच्या बिल्डिंग वर सही करायचा प्रश्नच नाही ना काही। ते बोलले नाही आम्ही तुम्हाला ओळखतच नाही, ते आम्ही त्या आर्किटेक्टला दिलं म्हणजे राजेश वदारी यांच्या कॅम्प मध्ये दिलं असं बोलतात ते। नाही त्याचा मला फोन आला तो म्हणजे मी आधी चौकशी करतो नक्की काय मॅटर आहे, तुम्हाला म्हटलं तुम्ही कंप्लेंट केली आहे, म्हटलं तसं तर नाही होणार पण म्हटलं एकदा विचारून बघतो की खरं हो तर कसं आहे ते आता बिल्डिंग वाल्यांनी ते अपलोड झाली आहे, उद्या चेकिंग करणार तर आपली सही त्याच्यावर दिसते ना। आयुक्तांना तर आपण निदर्शनास आणलं पाहिजे ना की या फाईलवर माझी सही नाहीये, उद्या तर ती डेंजरस बिल्डिंग आहे आणि त्याचा प्लॅन काय पण तो जिम्मेदारी आपली येते ना त्याच्यावर सही आपली असल्यावर। बरोबर, आणि ते तू म्हणजे कॉपी पेस्ट केलेलं आहे क्लिअर कट दिसतंय त्याच्यावर। अच्छा ते बिल्डिंग मला माहितीच नाही आर्किटेक्टला कोणाला ज्यांनी कोणी केलं नाही, बिल्डिंग वाले बोलतात ते कॅम्प मध्ये केलं तर तिथे दुर्गा प्रसाद राय म्हणून होता बोलतात, त्याच्याकडे दिलं म्हणतात असं बोलतात। आता काय आता नक्की काय समजत नाही, आता बघू तपास आता करावा लागत। आपण 2-3 बिल्डिंगला फोन केला तर त्यांनी तसंच सांगितलं, शहर के लोगों ने आपने सुना टाउन प्लानर सोनाओ ने किस तरह विकास नेते इंजीनियर को समझा रहे हैं और कहते हैं कि गलत हुआ है, मतलब आप समझ जाइए ये बड़ा भ्रष्टाचार है, ये केवल एक इंजीनियर विकास नेते के साथ नहीं हुआ है, काफी सारे इंजीनियरों के साथ हुआ है, और उनके नाम से सिग्नेचर कॉपी करके उसकी कॉपी पेस्ट करके उसके लोगों की फाइलें अपलोड की जाती है। तो लोगों से निवेदन है अपना आप बचाव करें, जिस इंजीनियर को काम देते हैं उसी इंजीनियर से सी फार्म से लेके उनको प्लान तक उन्हीं की सिग्नेचर होनी चाहिए, तभी आपकी जो अपलोड की गई फाइल है वो उसको मान्यता मिलेगी।
अन्यथा आप सोचेंगे कि हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। आपको सारी बातों पर ध्यान रखना है, आपके फाइल पर किस इंजीनियर की सिग्नेचर है, किसका स्टेम है, उसी का ही सी फॉर्म पर लगेगा, उसी का ही आपके प्लान पर उसका सिग्नेचर और स्टेम लगेगा। ये बातों पर आप जरूर ध्यान दीजिए। आइए बाकी सुनते हैं विकास नेते, उसके बाद बाकी क्या कहते हैं। बाद में अभी कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर अभी तक तो कुछ कार्रवाई किया नहीं, अभी और 6 महीने के लिए सोनोनी साहब को चार्ज दे दिया है टाउन प्लानर का रेगुलाइजेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो वो सोमवार और मंगलवार के दिन, मंगलवार और बुधवार के दिन, वो दोनों दिन वो कॉरपोरेशन में आके टीपीडी में बैठे थे और दुर्गा प्रसाद राय भी दिन भर उनके साथ में थे। तो जो भी घोटाला हुआ है उसमें वो पुरावा तो जो है, जो एविडेंस है वो सब नष्ट करने का उन्होंने कोशिश किया, फाइल ढूंढने का कोशिश किया। उस सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं और सबको इसका जानकारी हो चुका है और पुलिस स्टेशन में मैं उसके बारे में शिकायत दर्ज की है। लेकिन ये आपने शिकायत दर्ज की है उसके बाद भी महानगर पालिका में और टाउन प्लानर सोनाओ ने अपने चैम्बर में बैठा है और उसी पर अभी तक काम कर रहा है, उस पर बारे में क्या कहेंगे आप? वही गलत तरीके से काम कर रहा है। अभी कमिश्नर साहब ने उनको चार्ज दिया हुआ है तो जो भी गलत काम किए है वो मिटाने के लिए वो वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद राय उनके साथ में ही रहता है। मतलब आपका ये कहना है कि आपके सिग्नेचर का और आपके स्टेम का उन्होंने मिस यूज किया है, बहुत गलत तरीके से यूज किया है। अच्छा, जिन बिल्डिंगों का अपलोड किया गया है आपके नाम से, आपने उनको सूचित किया है कि मैंने उस फाइलों को अपलोड नहीं किया है, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं? मैं कमिश्नर साहब को वो 14 फाइल का लिस्ट बना के पूरा सब मोबाइल नंबर एड्रेस वो सब लिख के कमिश्नर साहब पुलिस स्टेशन सब जगह बता दिया हूँ। और 14 फाइल का लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी दे देता हूँ, तो आप शहरवासियों को बता सकते हैं। आप लोगों ने सुना इंजीनियर विकास नेत की जिबानी, किस तरह उनके साथ भ्रष्टाचार हुआ है। आप सोचिए अगर किसी इंजीनियर को भी नहीं बख्शा जाता तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। तो हो जाइए सतर्क थाने सरकार की न्यूज में, अगला आने वाला वीडियो फिर आपको एक नए भ्रष्टाचार की जानकारी देगा। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी, उल्लासनगर।